हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक आकलन छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 7वीं 2023 और 24 माह जुलाई कक्षा 7 विषय अंग्रेजी इंग्लिश का आंसर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर तो जाकर डाउनलोड करें। पूर्णांक 25 अंक, समय 40 मिनट। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विद आंसर की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रश्न एक, द विसल वॉज हिडिंग, जो सिटी था वो कहाँ छिप गया था, इसको बताना। इन द पोहा, इन द मिल्क, इन द राइस, इन द सूप। जो पोहा हिडिंग था वो कहाँ पर था, पोहा पर। अपोजिट वर्ड ऑफ ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलना। लॉस्ट बिफोर क्लोज आउट, ओपन मतलब होता है खोलना, क्लोज मतलब होता है बंद करना। ही हैज सेव्ड डैश मनी इन द बैंक, मैनी लॉट फ्यू सम, उत्तर आएगा इसका सम। फिर है आपका अति लघु त्रि, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वॉज अ सॉसर प्लेयर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हु वेंट टू सी रैबिट, हु लॉस्ट द विसल, जो सिटी है उसने किसने गुमाया। राइट द मीनिंग बैड, बैड का हिंदी अर्थ बताना है क्या होता है। बिस्तर, रीड मतलब होता है पढ़ना। बाइसिकल मतलब होता है साइकिल। वॉश योर हैंड विद सोप या सुगर, करेक्ट आंसर होगा इसका सोप। सोप मतलब होता है साबुन, सुगर मतलब होता है चीनी। वॉश योर हैंड बिफोर, कब करना चाहिए, ईटिंग खाने से पहले। फिर है आपका डर्टी हैंड कैरी, उसमें क्या होते हैं जर्म्स। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वॉशिंग। इस तरह से उसके बाद हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है ड्राइंग। फिर आपका यहाँ पर आपका क्या आएगा, LUNCH लंच। फिर है आपका स्विम, SWIM स्विम। फिर आपका ट्रेन, TRAIN ट्रेन। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपको प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, पहले में आएगा आंसर इन द पोहा, सेकेंड का होगा क्लोज, थर्ड में आएगा सम। उसके बाद फ्रांसिसो लैंटिनी वॉज अ सॉसर प्लेयर, पिगलेट वेंट टू सी रैबिट। फिर सिक्स का आएगा आपका रैबिट लॉस द विसल, शॉर्ट आंसर का। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स आंसर हिंदी ट्रांसलेट, बैट का अर्थ होता है बिस्तर, रेड मतलब होता है पढ़ना, बाइसिकल को कहा जाता है साइकिल। वॉश योर हैंड विद सोप, साबुन से धोना चाहिए हाथ को, कब धोना चाहिए, तो ईटिंग खाने से पहले। डर्टी हैंड में क्या होते हैं, जम्स होते हैं। यहाँ पर आपका इस तरह से आपका बनेगा। फिर है आपका प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट कार्य में आपको 10 लाइन अपने स्कूल के बारे में लिखना है। 10 लाइन्स ऑफ माई स्कूल, माई स्कूल नेम इज स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। माई स्कूल इज नियर माई हाउस, इट इज़ द बेस्ट स्कूल इन आवर सिटी। माई स्कूल इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। माई स्कूल हैज़ अ स्मॉल प्ले ग्राउंड। माई स्कूल बिल्डिंग इज़ अ वेरी बिग, देयर आर 20 टीचर्स इन माई स्कूल। द टीचर्स आर गुड एंड लविंग, आई इंजॉय गोइंग टू स्कूल एवरी डे, आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल। तो दिस इज द आंसर की ऑफ क्वेश्चन क्लास 7th इंग्लिश। थैंक यू सो मच।